दिनांक 12/9/2022 को बलदेव आर्य कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद में छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर लक्षण, कारण और बचाव के बारे में जानकारी देने के लिए प्रधानाचार्य डॉक्टर नीति की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश सचिन कुमार दीक्षित के द्वारा माँ सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। डॉक्टर आर के शर्मा और डॉक्टर सौम्या ने छात्राओं को महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, कारण और बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मंच संचालन रेणु अरोड़ा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सफलतापूर्वक आयोजन में नूतन रस्तोगी डॉक्टर सुनीति लता और मनीषा शर्मा का सराहनीय योगदान रहा। हम छोटे बच्चों को जागरूक किए हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है और कैसे हम उसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस शो में हमने बच्चों को काफ़ी जागरूक किया और कोशिश की कि इजी से इजी लैंग्वेज उनको बताएं ताकि उन्हें अच्छे समझ में आए। शिविर लगा है, इस शिविर के ऊपर इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हम लोगों को ये निर्देश मिले हैं, जो बच्चे हैं बच्चियां हैं 9 से 26 साल तक की एज थी, उनके मध्य जो सर्वाइकल कैंसर की समस्या बढ़ गई है उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसको विधिक जागरूकता शिविर और इसके वैक्सीनेशन के लिए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज बलदेव आर्य कॉलेज में हम लोगों ने यहाँ ये कैंप लगाया है और काफ़ी अच्छे तादाद में बच्चे यहाँ मौजूद थे, उन्होंने उसको सुना। डॉक्टर सौम्या और डॉक्टर शर्मा ने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हमारे पास वो नाम आ जाएंगे बच्चों के, फिर हम लोग यहाँ पर एक बार कैंप लगाएंगे जिससे कि वैक्सीनेशन बच्चों का कराया जाए। बल्लेव कन्या इंटर कॉलेज में जो कैंप लगा इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बल्लेव कन्या इंटर कॉलेज में साक्षरता कार्यक्रम में ये बताया गया कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन आ गई है और उस वैक्सीनेशन का लाभ छात्राएं उठाएं जिससे कि इस बहुत भयंकर बीमारी से बचा जा सके।